नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आज जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने संयुक्त रूप से अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां पर मूलभूत सुविधाओं सहित सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसी के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, साथ ही मतदान में विघ्न पहुंचाने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि जनपद अमेठी में तृतीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर आज डीएम और एसपी ने विकासखंड जामो अंतर्गत अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने आज ग्राम पंचायत संभुई, मुंगी, रेसी और सूखी बाजगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने मौजूद लोगों से बिना किसी प्रलोभन के और दबाव में ना आकर निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने गुंडा, हिस्ट्री शीटर और अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर उन पर 107/16 की कार्यवाही करते हुए पाबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही चुनाव में माहौल बिगाड़ने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी के साथ जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग जिला बदर किए गए हैं और निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहे हैं, अवैध शराब को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी प्रत्याशी अवैध शराब का उपयोग ना करे। अवैध शराब का उपयोग करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शत प्रतिशत शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाए, साथ ही कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के शस्त्र लेकर ना घूमे। उन्होंने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देश दिए कि चुनाव का प्रचार प्रसार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए करें, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर ये सब ना लगाएं। निजी संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगाने हेतु भवन स्वामी की अनुमति लेने के उपरांत ही उस पर लगाएं। ग्राम पंचायत संभई में निरीक्षण के दौरान बिना भवन स्वामियों की अनुमति के वॉल पेंटिंग कराने और पोस्टर लगाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी विनीता पत्नी अमर बहादुर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अगर किसी के भी द्वारा लोभ, शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी गौरीगंज संजीव कुमार मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरीगंज गुरमीत सिंह, थानाध्यक्ष जामो, संबंधित जोनल मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अपने सुझाव कमेंट में देते रहिए। देखते रहिए KPPN न्यूज।